भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज खेला जाएगा। शुरुआती 2 मैच जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी है। आज जीत मिलती है तो टीम इंडिया 9वीं बार किसी प्रतिद्वंदी को 3 या इससे ज्यादा T20 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी। इसके अलावा भारत के पास 5 साल पुराने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका भी है। इसके बारे में आप खबर में आगे जानेंगे, साथ ही पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी जानेंगे। ओपनर केएल राहुल और नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को इस मैच से आराम दे दिया गया है, यानी भारत के बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली पक्की है। श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में मौका मिलना पक्का है। ऋषभ पंत को भी क्रीज पर समय बिताने का अवसर मिलेगा। मुमकिन है कि उन्हें टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए भेजा जाए। इसके अलावा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शहबाज अहमद को भी आजमाया जा सकता है।